प्रतापगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है। यह जिला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ जिले को लोग बेला भी कहते हैं, क्योंकि यहां बेला देवी का मंदिर है जो कि सई नदी के किनारे बना है। इस जिले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। यहां के विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिले को राजा भैया अर्थात रघुराज प्रताप सिंह के कारण भी पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। इसके दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी 50 किलोमीटर का घेरा बनाती है, जो कि इसे इलाहाबाद व कौसाम्बी फतेहपुर से अलग करती है। गंगा, सई, बकुलाही इस जिले की प्रमुख नदियां हैं। यह जिला अपने आसपास कई सारे जिलों से घिरा हुआ है। प्रतापगढ़ के पूर्व में जौनपुर जिला, पश्चिम में रायबरेली एवं अमेठी जिला, उत्तर में अमेठी एवं सुल्तानपुर जिला और दक्षिण में कौसाम्बी एवं प्रयागराज जिला स्थित है। लगभग 3730 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए प्रतापगढ़ जिले की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 32 लाख से ऊपर थी। इस जिले में 5 तहसीलें हैं, जो कि रानीगंज, प्रतापगढ़ सदर, कुंडा, लालगंज और पट्टी तथा इस जिले में 17 ब्लॉक व 1255 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत 2265 गांव आते हैं। इस जिले के उद्योग की बात करें तो प्रतापगढ़ मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान व एक मैदानी इलाका है, जो कि मुख्यतः आंवले के उत्पाद के लिए विख्यात है। आंवले से संबंधित हर उत्पाद आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां से आंवले की सप्लाई डाबर व पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियों में की जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आंवला प्रतापगढ़ में पैदा होता है। आवागमन के दृष्टिकोण से प्रतापगढ़ जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, प्रतापगढ़ जिले में कुल 2 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, प्रतापगढ़ जंक्शन और चिलविला रेलवे स्टेशन, जिसमें से प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहां पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 2 है। ये रेलवे स्टेशन वाराणसी रायबरेली लाइन और प्रतापगढ़ प्रयागराज लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग, भारत के कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा प्रतापगढ़ से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नेशनल हाईवे 24 बी, 231, 096 और 056 जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतापगढ़ जिले से होकर गुजरते हैं। वायु मार्ग, यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी और लखनऊ इलाहाबाद एयरपोर्ट है। अब बात करते हैं इस जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। नंबर 1, बेला देवी मंदिर। बेला देवी धाम प्रतापगढ़ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर प्रतापगढ़ में सई नदी के किनारे बना हुआ है। नंबर 2, चिलविला पार्क। चिलविला प्रतापगढ़ का एक सुंदर स्थान है। यह एक पार्क है। यह पार्क चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। नंबर 3, शहीद उद्यान पार्क। शहीद उद्यान पार्क प्रतापगढ़ का एक प्रमुख स्थान है। यह पार्क प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच बना हुआ है। इस पार्क को कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, किसान देवता मंदिर। प्रतापगढ़ जिले में विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह किसी एक धर्म या संप्रदाय का मंदिर नहीं है, बल्कि किसान देवता के नाम से एक ऐसा धार्मिक संस्थान है जहां किसी भी धर्म व संप्रदाय के लोग आ सकते हैं। नंबर 5, शनिदेव मंदिर। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथ गंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में ऐसे और भी पर्यटन स्थल हैं जो कि देखने योग्य हैं। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।